Student, now we will study about the formation of image by concave mirror. मतलब concave mirror से इमेज कैसे बनती है, अब हम इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिए कि कैसे कैसे रे डायग्राम के रूल होते हैं, रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है. अब हम इमेज बनाएंगे. देखो, इमेज जब बनती है, जब दो रेज, दो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से होती हुई रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे एक इमेज बनती है. तो कोई दो रेज हम लेंगे तभी वो इंटरसेक्ट करेगी, इसीलिए हर डायग्राम में दो रेज दिखाई गई है. ओके, नाउ इसमें कई केसेस आते हैं, 6 केसेस हैं. तो केस 1 से हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से केस बनाए गए हैं. केस 1 हम देखेंगे यहाँ पे. व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड एट फोकस ऑफ द मिरर. देखो, इमेज के बारे में हमने बताया था, रियल इमेज और वर्चुअल. तो रियल इमेज जो होती है, एक्चुअल लाइट रे जब मीट करेगी किसी पॉइंट पे, तब वहाँ पे रियल इमेज बनेगी और उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं. वर्चुअल जब एक्चुअल लाइट रेज मीट ना करे, ठीक है, तो वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होती है, वो स्क्रीन पे हमको नहीं मिल सकती है. ओके, इसमें देखो जैसे दो पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, जैसे कि दो लाइट रेज है, कॉनकेव मिरर ये बना हुआ है. यहाँ पे दो लाइट रेज जा रही है, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छा, एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है यहाँ पे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. और फिर वो पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो रही है. हमने रूल जो पढ़ाए थे उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि पैरेलल जो होती है लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होकर के जाती है. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जा रही है. तो दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, मतलब फोकस पे मीट कर रही हैं, तो फोकस पे इस इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट की इमेज हमको मिल जाएगी. ठीक है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर इमेज होगी ऑब्जेक्ट की, देखने ही में लग रहा है ए बी इतनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, एफ पॉइंट एकदम डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज बहुत छोटी बनेगी और रियल इन्वर्टेड इसलिए होगी क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, और तीसरी चीज़ उसके कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है. ठीक है, ये हम ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि जब सनलाइट जो पड़ती है, अगर हम कॉनकेव मिरर सामने रखें सनलाइट के, तो सनलाइट से जितनी भी रेज आएगी पैरेलल टू द मिरर इसी तरह से पड़ेगी. ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम पेपर को, कोई एक पेपर लें, उसको हम यहाँ पे रखें, ठीक है, तो जो फोकस पॉइंट होगा मिरर का, कॉनकेव मिरर का जो फोकस पॉइंट होगा, वहाँ से पेपर बर्न करने लगेगा. तो हमारे सन इतना बड़ा है, उसकी इमेज यहाँ पे फोकस पे बन गई है, इतनी छोटी इमेज बनी है इतने बड़े से सन की, कि वहाँ पे हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और हीट जनरेशन ज़्यादा होने से पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस कर गया और पेपर बर्न करने लगता है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आता है. तो अप्रॉक्सीमेटली हम इस तरह भी फोकल लेंथ या फोकस हम निकाल सकते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर का, और ख़ास तौर पे कॉनकेव मिरर का. केस 2 है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस, अब ऑब्जेक्ट को धीमे धीमे मिरर के करीब ले जाएंगे. व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने पूरा नहीं लिखा है, सी से समझ में आ जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, देखो ए बी है सामने रखा हुआ है, एरो से ये दिखाते हैं ऑब्जेक्ट. फिर हमने वही रूल्स ऑफ रे डायग्राम वाला फॉलो किया, एक पैरेलल रेज जाएगी तो वो फोकस से क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है, देखो फोकस से. ठीक है, और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रेज जाएगी तो उसी पास से वापस लौट जाएगी, एकदम साफ दिख रहा है. तो जो जहाँ पे दोनों मीट कर रही है, मीटिंग पॉइंट जहाँ पे है, वहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, कुछ मैंने इस तरह से बनाया है बी डैश और ए डैश करके. ठीक है, वो इन्वर्टेड इमेज. अच्छा देखो, रियल इमेज बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड ही इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो इरेक्ट इमेज होगी, सीधी होगी. समझ में आया? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बी डैश ए डैश जो ये लिखा है, ए डैश बी डैश, वो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की, और देखने में लग भी रहा है रियल इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है. देखो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस.
वहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे। नाउ केस थर्ड है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट्स इमेज विल रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका कहने का मतलब है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आ गया, देखो यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वही लाइट रे, दो लाइट रे को यहाँ से पास कराया, एक तो सीधी गई तो फोकस से पास हो गई, एक सेंटर ऑफ फोकस से जो रेड जाती है वो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जहाँ दो रे मीट कर रही है मीटिंग पॉइंट पे हमने एक इमेज बना दी जो कि ए डैश बी डैश दिख रही होगी, वो कि रियल और इन्वर्टेड है, इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज भी है, दिखने में लग भी रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन भी रही है, तो इसीलिए एट सी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी फॉर। केस फोर है, अब ऑब्जेक्ट को और करीब कर दो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और अंदर कर दो, देखो ए बी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के और अंदर आ गया, मिरर के पास पहुँच रहा है धीमे धीमे, तब जो इमेज बनेगी हमारी उसको हमको देखना है। तो एक लाइट रे सीधी गई तो फोकस से पास हो गई, दूसरी लाइट रे हमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती हुई दिखेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पास से वापस चली जाएगी, है कि नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से होती हुई जाएगी और फिर उसी पास से वो वापस लौट जाएगी, मतलब ऐसे गई तो ऐसे आ जाएगी। तो जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है पीछे की तरफ, उस पॉइंट को देखो यहाँ पे मीट कर रही है, तो वहाँ पे इमेज बनी है बहुत बड़ी, ए डैश बी डैश एरो से मैंने दिखाया है, वो इमेज मैग्नीफाइड इमेज कहलाएगी। अच्छा, सबसे लार्जर इमेज अगर कहेंगे तो उसको मैग्नीफाइड भी कहते हैं, और बहुत छोटी इमेज अगर बन जाए जैसे फोकस पे पहले केस में बनी थी उसको डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं या हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इमेज जो बन रही है लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है। और बियॉन्ड सी बन रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड है ही, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल लाइट रे जो मीट कर रही है उसी से बन रही है, ठीक है, इसलिए रियल है। यहाँ पे अगर हम कोई स्क्रीन लगा दें तो हम इसकी इमेज को पा सकते हैं। ओके, नाउ केस फाइव है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विल बी एट फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया, देखो फोकस पे रखा हुआ है, थोड़ा सा फिगर छोटा बन गया है लेकिन फिर भी समझने के लिए दिख रहा है। जो फोकस से, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो ये मिरर है, मान लो ये फोकस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट रे एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से पास होगी, समझ में आया। और एक हमने बताया था कि या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, उससे पास होगी तो वो वैसी फॉलो करेगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी, वापस उसी पाथ से चली जाएगी। तो यहाँ पे हमको देखने में आ रहा है कि जो भी लाइट रेज है वो पैरेलल हो गई रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल हो गई यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन के बाद जब पैरेलल हो जा रही है तो इससे इसका हम कह सकते हैं कि वह इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं मीट नहीं करती, वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और इन्फिनिटी पे जो इमेज बनती है वो बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे जो भी इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड इमेज लिखा है, एट इन्फिनिटी लिखा है। रियल और इन्वर्टेड तो होगी क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड होगी। नोट पॉइंट में मैंने एक चीज़ लिखी है, वी यूज़ बल्ब एट फोकस ऑफ कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च। टॉर्च जो होती है, टॉर्च का जो पॉलिश सरफेस होता है यहीं पे हम बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। टॉर्च का जो कॉनकेव सरफेस होता है वहीं पे हम बल्ब लगा देते हैं, तो बल्ब जब भी वो उसकी रोशनी जब पड़ती है तो ये सब के सब फोकस पे ही बल्ब रहता है, मतलब ये फोकस पे रहता है उसके कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस पे ही हम इस बल्ब को रखते हैं, तो जिसकी वजह से जितनी भी लाइट रेज जाती है वो सीधी सब के सब टकराएगी, इससे टकराएगी रिफ्लेक्टर से, और रिफ्लेक्टर से टकराने के बाद फिर वो सब के सब पैरेलल हो जाएगी। तो जो बल्ब की इमेज बनती है बहुत दूर जा करके इन्फिनिटी तक चली जाती है, इसीलिए लाइट रेज हमारी, टॉर्च जब जलाओ तो इन्फिनिटी तक जाती है, उसकी लाइट का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बल्ब कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है रिफ्लेक्टर की, इसीलिए ऐसा होता है। केस सिक्स है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, अब और अंदर कर दो ऑब्जेक्ट को, देखो फोकस और पोल के बीच में, ये फोकस और पोल है एफ एंड पी,
अब जब और अंदर कर दिया तब अब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल हो जाएगी। क्यों वर्चुअल होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये है यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, अब इसके अंदर कर दिया हमने। अब जैसे ही इससे पास करेंगे तो एक लाइट रे ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे हमने पढ़ाया है ये सब रूल, ऐसे जाएगी, सॉरी उल्टा बन गया, ऐसे जाएगी, एक लाइट रे इधर जा रही है, एक लाइट रे इधर जा रही है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रेज हमको दिख रही है, ये दोनों रेज जो हमको दिख रही है, दोनों इधर की तरफ डाइवर्जिंग रेज है, मतलब फैल रही है। तो जब इधर फैल रही है, इस डायरेक्शन में फैल रही है, तो फिर ये कहीं मीट नहीं करेगी, जाहिर सी बात है कहीं नहीं मीट करेगी। तो कहाँ पे मीट करेगी? मीट करेगी वो मिरर के पीछे। देखो मैंने पीछे बढ़ाया है उसको, तो ये पहली रेस को पीछे बढ़ाया, दूसरी रेस को पीछे बढ़ाया, तो वो जो इमेज बनी दोनों मीट की, वो जो इमेज बनी वो ए डैश बी डैश के नाम से। अब यहाँ पे बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, इसलिए ये वर्चुअल है। वर्चुअल इसलिए भी होगी क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही है लाइट रेस, यहाँ पे देखो वो डाइवर्ज हो जा रही है, इसलिए वर्चुअल। और इरेक्ट इमेज देखो, सीधी भी इमेज बनी रही है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, ठीक है।